सामर्थ्य दे जी। तो हम लोग आपसे विशेष रूप से मिलने के लिए आए हैं और जब यहाँ पर श्री जेपी सिंह जी ने यहाँ स्वच्छता बलिदान दिवस का आयोजन किया और यहाँ पर हम लोग आए और आप इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए। कल व्याख्यान आपने दिया और उसके बाद हमारी और जिज्ञासा भी बढ़ गई कि हम आपसे भेंट करें और आप हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं और हम सब से आपका सवाल करते हैं। जय से ये डॉक्टर कौशल पवार जी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो संस्कृत की प्राध्यापिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनको तो आप जानते हैं डॉक्टर राहुल जी, क्योंकि हमारे देश के हमारे समाज में जो भगवान दास जी थे, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद पूरे भारत में की विश्व में बाबा साहब के आंदोलन को और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में भगवान दास जी अग्रगण्य रहे हैं और ऐसे बहुत ही महापुरुष जिन्होंने भी पिछले वर्ष ही निर्वाण प्राप्त किया है, परिनिर्वाण प्राप्त किया है, तो उनके सुपुत्र डॉक्टर राहुल जी। तो आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि वैसे कुछ लेखन के माध्यम से भी हम आप पहले से जानते हैं और आपने जो समाज के लिए कुछ पुस्तकें लिखी हैं, विशेष रूप से जो जिस समाज से हम संबंधित हैं, जिसको मंगी समाज कहा जाता है, जिनको अनेक नामों से हम लोग जानते हैं पूरे भारत में, आप भी जानते हैं इसके बारे में। तो आपने एक आत्मकथा भी लिखी है, अभी एक अंग्रेजी में आपकी जो आत्मकथाएँ थी उसमें 2001 में आई थी सर, 2001 में अंग्रेजी में आत्मकथाएँ थी, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ नाम से। उसके बाद फिर उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है एक भंगी उपकुलपति की अनकही कहानी, और वो मैंने आपकी पुस्तक थोड़ी पढ़ी है वो, और उसके माध्यम से भी मैंने आपको जाना। लेकिन आपकी जो मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं उनसे हमारा परिचय ले रहा है, तो हम यहाँ पर बस ये जानने के लिए आपके पास कि आप थोड़ा सा हमको अपने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपने जो जीवन में संघर्ष किया है और उसके साथ साथ जो आपने हमारे समाज के लिए वाल्मीकि समाज के लिए विशेष रूप से और पूरे इस आंदोलन में आप क्या योगदान है विशेष रूप से हमारे समाज के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है ना उसमें आपकी क्या भागीदारी है, ये थोड़ा सा ये हम हमारी जिज्ञासा की आप थोड़ा सा इस जरा थोड़ा सा हमें बताए। अच्छा दरअसल में आपने जो कुछ मूल प्रश्न मेरे सामने रखे हैं उसके संदर्भ में मेरा ये निवेदन होगा कि हम लोगों की संघर्षमय जो कहानी है वो तो तब से ही शुरू हो जाती है जिस दिन माँ के पेट में हमारा बीजा रोपण होता है, फैक्ट तो ये है। और ये संघर्ष की कहानी तब तक चलती रहती है जब तक कि जन्म के बाद युवा जो हुई थी।